आप किस लिए कर दिया है। जनता उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड में भी बहुत कोशिश की थी, वहाँ तो कहाँ से पता नहीं, एक यूनिवर्सिटी ले आए और मेरी इतनी फोटो बना दी थी उन्होंने जो है कि मेरे लिए अपने आप को पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कहाँ से टोपियाँ, कहाँ से वस्त्र, कहाँ से पता नहीं कौन फैशन डिजाइनर उन्होंने इंगेज किया था। तो ये लेकिन जनता ने कहा नहीं, हम महंगाई के पिच पर, आप महंगाई का जवाब दीजिए। जनता ने कहा रोजगार का जवाब दीजिए। लोगों ने कहा जो माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है उसका जवाब दीजिए। लोगों ने कहा कि आपने कोरोना काल में जिस तरीके से हमको मरने के लिए छोड़ दिया उसका जवाब दीजिए। लोगों ने अपना पिस ले किया उत्तराखंड में। यदि छोटा भाई उत्तराखंड में इस तरीके का पिस ले करके अमित शाह जी और मोदी जी योगी जी को उस पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर सकता है, उत्तर प्रदेश तो महान है, शक्तिमान है, तो उत्तर प्रदेश को चाहिए कि अपने पिच पर, जनता के सवालों के पिच पर, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, नौजवानों के सवाल, महिलाओं के सवाल पर उनको लाए और उस पर वोट करवाए। भाजपा को, भाजपा को, भाजपा को हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है, अब जब भाग रहे हैं तो कहाँ भागते भागते जहाँ तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। किसका आश्रम बनवा रहे हैं उत्तराखंड में है? किसका आश्रम बनवाने की बात की आपने? हमने, मैंने कहा जोगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे, बढ़िया सी, और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। पंजाब से, पंजाब गोवा और पांच राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले कांग्रेस के? हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं, दोनों राज्यों के विषय में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गोवा के समाचार जो मेरे मित्र बता रहे हैं वहाँ हम जीत रहे हैं। मणिपुर हम जीतेंगे क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को ह्यूमिलेट किया गया है तो मणिपुर इज बाउंड टू वोट फॉर कांग्रेस। वो लोकतंत्र के ह्यूमिलेशन का जवाब देगा मणिपुर जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब हिलाया इस वृक्ष को हमने है, उसको गिराने लायक हमने बनाया है, तो फल दूसरे की झोली में कैसे जा सकते हैं? ये दुष्प्रचार है और हम इस दुष्प्रचार को कांग्रेस के शौर्य और पराक्रम के लिए चुनौती मानते हैं और सारे कांग्रेसजन बहुत निष्ठा से और बहुत शक्ति के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने इस प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, शालीन नेतृत्व है, एक सुघर नेतृत्व है। हमारे पास अपनी एक पूरी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है, उसका नेतृत्व है, और साथ साथ जो है हमारे पास एक आर्थिक दृष्टिकोण है, लोक कल्याण का दृष्टिकोण है, कृषि को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, रोजगार संवर्धन कैसे हो सकता है, इन सब बातों का विजन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार के जवाब में कहना चाहता हूँ, 1980 में लोग कहते थे कांग्रेस कहीं पर खड़ी नहीं, और मगर जब इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा गूंजा तो गांव गांव गूंजा और कांग्रेस सत्ता में वापस आए। और आज प्रियंका लाओ का नारा भी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की जवान में है और लोग उत्तर प्रदेश का कल्याण देख रहे हैं उनमें और देश का कल्याण राहुल गांधी में देख रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश इस मामले में लीड लेगा और कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब रहा सवाल दूसरे राजनीतिक दल, जिस तरीके से राजनीतिक शालीनता को, शिष्टाचार को, राजनीतिक संस्कृति को अलग रख करके बातचीत हो रही है, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं समझता हूं
ऐसे लोग जो राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बरत सकते हैं तो वो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस की और विशेष तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने काबिल नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि वो चाहे भोगी लोग हों या जोगी लोग हों, इनको लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट करें और कर्मवीर कांग्रेस को आगे लाए। यूपी में तो आतंक हो सकता है और मुझे लगता है ये कुछ भी जो होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि लोग भोगी और योगी दोनों को देख चुके हैं, योगियों को और भोगियों को देख चुके हैं, अब उनसे पल्ला छुटाना चाहते हैं। कांग्रेस ही विकल्प है उत्तर प्रदेश। नहीं, ये अनुमान बताइए ना, जैसे कितनी सीट आ सकती है? सीट क्या देखिए, हम भाजपा जैसे घमंडी नहीं है कि एक लाइन खींच दें। हम तो लोकतंत्र के हम्बल सेवक हैं, विनम्र सेवक हैं और हम दाता के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमको इतना दीजिए कि हम सरकार बना सके। हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, किसने कह दिया हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे? ये दुष्प्रचार है लोगों का, ये उन ताकतों का दुष्प्रचार है जो प्रत्यक्ष रूप पर भाजपा को मदद करते हैं और भाजपा जिनकी मदद करने का काम करती है। इसलिए हम बिल्कुल एक बात बताइए, इलाहाबाद में कितनी सीटें हैं? 12 और हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 12। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं? हमारा इंटेंट, हमारा इरादा साफ तौर पर बताता है कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं।